मंडलीय खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में शासन द्वारा तहसील, जिला एवं मंडल स्तर पर खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मंडल स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाना है। बैठक में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि समिति सरकारी विभागों के अतिरिक्त गोरखपुर मंडल के ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, स्पॉन्सरशिप प्रदान करने वाले उद्यमियों को समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया जाए, ताकि उनके अनुभव के आधार पर खेल प्रतिभागों को ग्रामीण अंचलों से शहर क्षेत्र में निकालकर स्पॉन्सरशिप प्रदान करते हुए खेलों का आयोजन कराया जाए, जिसमें विशेष रूप से फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट की प्रतियोगिताओं का आयोजन निश्चित रूप से हो तथा इन प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक प्रतिभागियों को सम्मिलित करने हेतु युवा कल्याण, नेहरू युवा, पंचायती राज, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा विभाग का सहयोग लिया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील, जिला तथा मंडल स्तर पर खेलों का भव्य आयोजन कराया जाए। इसमें अधिक से अधिक युवाओं एवं छात्राओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराया जाए। इस अवसर पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा कि मैं चाहूंगा कि एक प्राइज अमाउंट 5,000 रुपीज, 2,000 रुपीज हम लोगों के पास, इतने लोग आते हैं हम बता देंगे। एक बार हमने ये स्पोर्ट्स में हम लोगों ने ये जीते थे, ठीक है, उड़िए करा देंगे सर, ठीक है। मैं नेहरू युवा गेम्स का दृष्टिकोण बता रही सर। 18 तारीख इंडिया क्रिएटन कल का आयोजन हो रहा है, तो सर बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमें स्पॉन्सर किया टी शर्ट कर रहे थे, तो बड़ौदा वाले चीफ मैनेजर को या जनरल मैनेजर जो भी है उन्हीं को बुला लीजिए। होता क्या है, आप तब यही से यहाँ इतना डिपॉजिट्स होता है मगर पूरा हम लोग उधर चले जाते हैं क्योंकि हम ले नहीं पाते। आज मंडल खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति का गठन किया जाना था, उसी की आज बैठक कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें खिलाड़ी और मंडल के अधिकारी उन्होंने भाग लिया। ये सरकार की प्राथमिकता है कि खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जैसा कि अभी आपने देखा है कि प्रदेश स्तर पर भी बहुत बड़ा आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था, खिलाड़ियों को अवार्ड्स दिए थे और कैश अवार्ड्स दिए थे। तो जैसे फिट इंडिया और खेलो इंडिया के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ये है एक खिलाड़ियों के लिए इस समिति के बन जाने से ये सुविधा मिलेगी कि जो हमारे मंडल स्तर के कॉम्पिटिशन्स हैं चारों ज़िलों को मिला के एक बढ़िया एक कॉम्पिटिशन्स हों कुछ खेलों में, जैसे आज चर्चा की गई, जैसे कि विशेष रूप से फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी और कुश्ती के इस क्षेत्र के जो खेल हैं उनको विकसित किया जाएगा मंडल लेवल पर, और साथ ही साथ जो पूरे मंडल में चारों ज़िले हैं उनकी एक जो किस किस ज़िले में कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं उन पे एक मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि वो समय से खेलों का आयोजन हो, ताकि अधिक से अधिक युवा और इसमें खिलाड़ी भाग ले सकें और अपनी प्रतिभा को निखार सकें, और जो टैलेंटेड बच्चे हैं इसी के माध्यम से उन बच्चों को निकाल के जो हमारे ये उत्तर प्रदेश सरकार की आवासीय योजना है, स्पोर्ट्स कॉलेज का है, स्पोर्ट्स हॉस्टल में, उन बच्चों को वहाँ भेजें ताकि अधिक से अधिक प्रतिभाएँ जो हैं इन क्षेत्रों से निकल के वहाँ पहुँचें, और यही बच्चे जब वहाँ रह के ट्रेंड होते हैं और तो वही बच्चे आगे जाके बड़े और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनते हैं, ओलंपिक में भाग लेते हैं और मेडल लाते हैं। इसी के साथ साथ जो है जो हमारे फिट इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, एक बहुत अच्छा सुझाव आया डिप्टी डायरेक्टर पंचायत जी ने, उन्हें सुझाव दिया है कि इन जो कर्मचारी हैं जो यहाँ हैं वो उनको भी सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, इसके लिए भी उन्होंने कहा, अनुरोध किया कि मैचेस कराए जाएं, तो उनके अनुरोध को स्वीकार किया गया है, और अब आने वाले समय में एक क्रिकेट के मैचेस हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस हैं, इस तरह से उनके भी खेल कराए जाएंगे ताकि कर्मचारी भी सब फिट रहें। और खेलो इंडिया का जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है खेलो इंडिया, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि सब लोग जब फिट रहेंगे हमारा देश फिट होगा, तो इसी हमारी इफिशेंसी बढ़ती है कार्य करने की, हमारी क्षमता बढ़ती है, तो निश्चित रूप से हम जब सब फिट होंगे तो देश पूरे विश्व में सबसे ऊपर होगा, क्योंकि उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये खेलों को विकसित करने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए आज समिति का गठन किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा आज एक शुरुआत है। ये गठन होने से हमारे निश्चित रूप से खेल का स्तर बहुत ऊंचा होगा।
अध्यक्ष कौन है और कौन सचिव बनाएगा? ये समिति जो बनाई गई है वो माननीय कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसके DIG साहब इसके उपाध्यक्ष हैं और माननीय सांसद जी इसके विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और जो मंडल के अधिकारी हैं वो भी इसके सदस्य हैं। 29 मेंबर की ये समिति है और इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों को भी रखा गया है और अधिकारियों को, ताकि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो और माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक अच्छा कार्यक्रम तैयार किया जाए पूरे मंडल के लिए, ताकि खेलों का अधिक से अधिक विकास हो।